तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। होप करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बढ़िया होंगे भाई, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपनी जगह पर, अपने देश में, प्रदेश में, शहर में, दुनिया में, कहीं कहीं पर भी। तो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं आज घर से। रेडी वेडी हो चुका हूँ, अपना खाना वाना नाश्ता वाश्ता कर चुका हूँ और अब चल पड़े हैं रोजमर्रा की जिंदगी की दौड़ लगाने के लिए अपने काम पर। तो मिलते हैं आपसे सीधा अब बाहर काम पर ही। तो गाइस अभी रास्ते में हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए रुका था। ये जगह मैं आपको पहले भी काफी बार दिखा चुका हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हैं तो। ये देखिए, ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये जगह मेरी फेवरेट है। देखो खेत खलियान, ये जो रास्ता बीच में पड़ता है उनके घर जाने के लिए, मस्त एकदम यार। तो बस मैं ये आपको दिखाने के लिए ही रुका था। अब मैं चलता हूँ इधर से भाई। तो ओके गाइस, यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ कल का ही रिकैप चल रहा है, सेम बच्चे ये कंचे खेल रहे हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार बेटा। तो यहाँ सेम वही कल वाले बच्चे, कल वाले कपड़े, कल वाले कंचे, वही घूम फिर के ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर सेम। तो गाइस देखो आज ना वहां से जहाँ खराब बेल लटकी हुई थी वो तोरी वोरी की, वो सारा उतार लिया और इसको जला रहे हैं आज। आग वाग पूरा आज मस्त। क्या बेटे रोटी कैसे इसमें बनेगी, कैसे बनाओगे? लगा दियो। ये बहुत कौन ये वाला बच्चा, यही बच्चा? ओए क्या बात है बेटा, आज बढ़िया एकदम। देखो मस्त आग जल रही है भाई, क्योंकि हवा भी सर्द होता जा रही है और यहाँ आधी पढ़ाई कर रहे हैं बैठकर और साहिल वहाँ है। साहिल भी पढ़ेगा अभी। ये ब्लॉग में देखो कितनी एक्टिंग करके जाता है। तो गाइस शाम हो चुकी है, यहाँ बन रहा है देखो बैंगन का भरता भाई चूल्हे के ऊपर मस्त। ये देखो वाओ, आज साहिल खाएगा बर्गर बैंगन। और आदि कहाँ है? आदि भाई वहाँ बैठा है, ये देखो वो बैठा। तो ये देखिए गाइस काम पर ही हूँ अभी और ये देख सकते हो आप मौसम एकदम खुला हुआ है बिना किसी फॉग वगैरह के, पर ठंड इतनी जबरदस्त है ना, आप यकीन मानना मेरे हाथ इस समय जम रहे हैं। और बस मैं अभी काम पर ही हूँ, अभी एक ऑर्डर आया था वो भी कैंसिल हो गया यार, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। बाकी ठंड बहुत ज़बरदस्त है भाई और देखते हैं, अभी मैं ऑर्डर की तलाश में ही घूम रहा हूँ, अभी किसी और जगह पे जाऊँगा लोकेशन पे, क्या पता वहाँ बच जाए, और अगर नहीं बचता है तो भाई फिर चलते हैं घर भाई, और क्या कर सकते, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। और ये देख लो रोड पे भी सन्नाटा है, ठंड बहुत ज़बरदस्त है, पर बहुत ज़बरदस्त। A few moments later. तो गाइस घर पर आ गया था मैं और अभी सुबह के बज रहे हैं भाई, ये देखो 4:10, ये आप देख सकते हो घड़ी में 4:10 हो रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी भाई जाग चुकी हैं जैसा कि आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर मम्मी जाग चुकी हैं। मम्मी जा रही है वॉशरूम और दिखाता हूँ मम्मी भाई जाग कर किचन में, ये पहले पानी गर्म लगा कर गई हैं अपना चाय वाय बनाने के लिए, चाय बना रही है मम्मी अपनी। ये देखो गैस जल रहा है और मम्मी गई है वॉशरूम, सिम पे करके बहुत स्लो करके। और रात में हुआ कुछ ऐसा कि मैंने यार खाना भी नहीं खाया, रात को खाना ही नहीं खाया, वैसे ही लेटा हुआ था, व्लॉग एडिट कर रहा था, एडिट करते करते टाइम बीत गया तो सोया ही नहीं हूँ अभी तक ना। और टाइम आपको मैं दिखाई चुका हूँ, 4:10 हो रहे और बस कुछ इस तरीके से कहानी है अभी। और व्लॉग में आज कुछ था भी नहीं कंटेंट कुछ मेरे पास, मुझे पता है मेरे पास ना कोई कंटेंट नहीं हो रहा है यार, और मैं चाहता तो हूँ कि मैं बाहर के व्लॉग्स बनाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, पर लाइफ अभी कुछ ऐसी चल रही है ना कि मैं
उस लाइफ से हटकर चल ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मम्मी भी है, सब है, मतलब करना पड़ता है, काम नहीं करूँगा तो भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके की अभी कहानी चल रही है। और खाना वाना भाई मैंने भी आज रात को खाया ही नहीं था, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं सोच रहा हूँ खाना खा लूँ। तो ये देखो यहाँ पर भाई गाइस मम्मी अपनी चाय वाय बना रही है और मैं अपने खाने की तलाश में हूँ। खाना रखा है वहाँ पर, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। अभी मम्मी कुछ भी नहीं है अपना डालने के लिए, फिर से वो अपना मंगाई थी वो कार्यकलाप कर ली भी मम्मी, नहीं है। तो फिर देखते हैं। मम्मी बोल रही है पुराना कि घर से भैया लाएगा कौन? चीनी मांग रही है मम्मी, और चीनी हम देना नहीं चाहते भाई ज़्यादा ना। और मैं मम्मी की स्टीविया लाना भूल गया फीकी चाय हूँ, पी, फीकी आज चाय लेकर पीने का आऊँगा। मन तो आज चाहता मम्मी फीकी चाय पिएगी, पहले पीती थी मम्मी फीकी चाय, पर अब पता नहीं क्या हो गया मम्मी को ना, अब मम्मी को मीठा ही मीठा चाहिए होता है। अब मम्मी अपना पानी मुंह हाथ धोने के लिए चढ़ाएगी ना, और मुझे उधर से लेना है खाना भाई। और मैं कर रहा हूँ मम्मी का वेट, मम्मी हटेगी इधर से तो मैं दे पाऊंगा। तो इस तरीके से सुबह सुबह के कुछ हालात हैं भाई आज। खाने में देख लीजिए आप क्या है खाने में भाई, ये देखिए आलू गोभी की सब्जी है, दाल है, साथ में है रोटी, दिखा देता हूँ देखो, रोटी पराठा, ये एक पराठा है शायद, और रोटियाँ हैं, और है चावल। ये है मेरा खाना भाई, इसको मैं खाऊंगा और अंत करते हैं अब इसी पर ही, क्योंकि बार बार मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग का एंड करूँ और बार बार आगे बढ़ा देता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ, कोशिश तो यही करते हैं गाइस। बाकी तो आप समझ सकते हैं जिस हिसाब की इंसान की परिस्थितियां हैं, जिस इंसान की अपनी दिनचर्या है, वो वही दिखा पाएगा। और बाकी कहने को अब कुछ है नहीं ज़्यादा, खाना खाते हैं और आप भी आराम कीजिए, हम भी करेंगे खाना खाने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।